हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को आप सिंगल कलर में, डबल कलर में और मल्टी कलर में किसी में भी आसानी से बना सकती हैं। ये टू फंदों की डिज़ाइन है, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जब हम फंदे डालेंगे वो टू के मल्टीपल्स में डालेंगे और वन फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर मैंने 17 फंदे डाले हैं। इस प्यारी सी डिज़ाइन को आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आसानी से डाल सकती हैं। इस डिज़ाइन को डालने के लिए आपको केवल सीधा उल्टा आना ही ज़रूरी है, और अगर आपको सीधा उल्टा बनाना भी नहीं आता है तो आप इस डिज़ाइन को मेरे बनाते समय देख करके समझ सकती हैं कि कैसे सीधा बनाएंगे और कैसे उल्टा। फ्रेंड्स, डिज़ाइन शुरू करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आती है, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने सहेलियों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये 4 रो की डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन में जो 4 रो हम बनाते हैं वो एक ही कलर के ऊन से बनाते हैं। अब मैं डिज़ाइन स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने दूसरे कलर का ऊन लगा लिया है। डिज़ाइन की 1st रो और 2nd रो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी रो में मेन डिज़ाइन है। क्या करेंगे हम, पहला फंदा जो एज का है उसे हम स्लिप कर लेंगे। आप चाहें तो उसे सीधा बुन सकते हैं। ऊन को अपनी तरफ आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। डिज़ाइन की 1st रो जो कि राइट साइड से है, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और एक फंदा हम स्लिप करेंगे। इस तरह से हम पूरी रो बनाएंगे। ये मैंने रो बना ली है। लास्ट में एक फंदा बचता है एज वाला, उसे हम उनको पीछे करके सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी 1st रो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी 1st रो कंप्लीट हो गई है। अब हम डिज़ाइन की 2nd रो पर हैं। एज वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। आप चाहे तो उसे उल्टा बुन सकती हैं, उनको पीछे ले जाएंगे। जो फंदा हमने बुना है उसे सीधा बुन लेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है उसे उल्टा बुन लेंगे, फिर उनको पीछे करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करके स्लिप किए हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को बुने हुए फंदों को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को उल्टा बुनना है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है, ये मैंने सीधा बुना है, और अपनी तरफ ऊन करके स्लिप किए हुए फंदे को उल्टा बुनना है। पूरी रो इसी तरह से बनानी है। जो इस तरह से फंदा बुना जाता है वो सीधा फंदा कहलाता है, और जो अपनी तरफ ऊन करके इस तरह से फंदा बुना जाता है वो उल्टा फंदा कहलाता है। इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है। डिजाइन की 2nd रो जो कि बैक साइड से है, एक फंदा हमें सीधा बुनना है और स्लिप किया हुआ फंदा हमें उल्टा बुनना है। लास्ट का एज वाला फंदा हम उनको पीछे करके सीधा ही बुन लेंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। 3rd रो पर हैं जो कि राइट साइड से है। बहुत ही सरल रो है। इस रो में हम सारे फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। एज वाले फंदे को आप स्लिप भी कर सकते हैं और आप चाहे तो सीधा बुन सकते हैं। यहाँ मैंने स्लिप कर लिया है। इसके बाद सीधा फंदा कैसे बुनेंगे, इस तरह से सिलाई डाल करके सीधा फंदा बुनेंगे। पूरी रो हमें इस तरह से सिलाई डाल करके सीधे सीधे फंदों से बनानी है। ये आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं और टीवी देखते हुए भी सीधे सीधे फंदों को आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डालेंगी, बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। हम डिज़ाइन की 4th रो पर हैं। एज वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। चाहे तो आप इसे उल्टा बिन सकती हैं और इसके बाद के सारे फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। पूरी रो हमें उल्टे उल्टे फंदों से बनानी है। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, कोटी,
कैप किसी में भी आसानी से डाल सकते हैं और इसको डालने से उस प्रोजेक्ट की खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये इस तरह से हम पूरा उल्टा बनाते हुए चले जाएंगे। ये हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। सिंगल कलर में ये डिजाइन इस तरह से दिखाई देगी और डबल कलर में इस तरह से दिखाई देगी। इस डिजाइन को आप डबल कलर, सिंगल कलर और मल्टी कलर में भी आसानी से बना सकती हैं। इसे आप बच्ची खुची ऊन से भी बना सकती हैं। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिजाइन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।